नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हैं और उसके साथ रिलेशनशिप में हैं, तो आपको अपने रिश्ते में कई तरह के अलग अलग फीलिंग्स हमेशा महसूस होते होंगे। कभी आपको लड़की पर बहुत ज्यादा प्यार आता होगा, तो कभी आपको उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता होगा। ऐसा हर रिलेशनशिप में होता है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हैं और उन्हें प्यार में तड़पाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। कई बार प्यार में एक दूसरे को तड़पा कर रिश्ते को और भी मजबूत बनाया जा सकता है। जब प्यार में पड़े दो लोगों को ये एहसास होता है कि वो अपने प्यार से दूर हो रहे हैं, तब उनके दिल में अपने पार्टनर के लिए और भी ज्यादा प्यार बढ़ता है। ऐसे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के दिल में आपके लिए प्यार और बढ़ाना चाहते हो, तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार में तड़पाना होगा। अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में तड़पा कर आप उसे अपना दीवाना बना सकते हैं। गर्लफ्रेंड को प्यार में तड़पाने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप उससे दूर हो जाओ, बल्कि लड़की को एहसास दिलाना है कि आप उसके जिंदगी में कितने ज्यादा जरूरी होते हो। दोस्तों, लड़कों को लड़कियों को तड़पाना बिल्कुल भी नहीं आता, जिसकी वजह से कई बार लड़के कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो लड़की को हमेशा के लिए खो देते हैं। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने लिए तड़पता देखना चाहते हो और उसे खोना भी नहीं चाहते, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और इसमें बताए गए टिप्स को जरूर फॉलो कीजिए। इसमें सबसे पहली टिप है, लड़की को प्लीज करना बंद कर दे। दोस्तों, रिलेशनशिप में लड़कियां हमेशा अपनी ही बात चलाती रहती है। लड़कियां लड़कों को काफी परेशान करती है और बाद बाद में अपने बॉयफ्रेंड पे गुस्सा हो जाती है। ऐसे में बॉयफ्रेंड को ही हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को मनाना पड़ता है। अगर लड़के इस तरह से लड़कियों को मनाते हैं, तो लड़कियां अपनी मनमानी करने लगती हैं। इसलिए अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को सच में अपने प्यार में तड़पते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको उन्हें मनाना और प्लीज करना बंद कर देना होगा। इससे लड़की को आपके ऊपर गुस्सा तो आएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद वो आपको मिस भी करना शुरू कर देगी और वो आपके और नजदीक आती जाएगी। अगला तरीका है, लड़की से बार बार कांटेक्ट ना करें। अगर आप लड़कियों को प्यार में तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उनसे बातचीत करना बंद कर दें। आपको अपनी गर्लफ्रेंड से ना ही फोन कॉल पे बात करनी है और ना ही किसी तरह के मैसेज करने हैं। आप जितना हो सके उतना कम अपनी गर्लफ्रेंड से कॉन्टेक्ट बनाइए, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों के लिए, उसे तड़पाने के लिए। अगला तरीका है, लड़की के सामने इमोशनल बिल्कुल भी ना बने। दोस्तों, वैसे तो लड़के लड़कियों की तरह हमेशा अपना इमोशन नहीं दिखाते हैं, लेकिन कुछ लड़के औरों से अलग होते हैं। ऐसे लड़के रिलेशनशिप में अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पूरे दिल का हाल बयां कर देते हैं और अपना दिल लड़की के हाथ में रख देते हैं। ऐसे लड़कों को लड़कियां हमेशा इमोशनल फूल समझती हैं। इसलिए लड़की को अपने प्यार में तड़पते हुए देखने के लिए आप उसके सामने बिल्कुल भी इमोशनल ना होइए। दोस्तों, अगला तरीका है, अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी दूरी बना के रखिए। दोस्तों, गर्लफ्रेंड आपके लिए तभी तड़पेगी जब आप उससे दूर होंगे। ऐसे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने प्यार में तड़पते हुए देखना चाहते हो, तो आपको कुछ ना कुछ करके अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ समय के लिए दूरी बनानी होगी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे लड़की आपसे ब्रेकअप कर ले, बस थोड़ा सा स्पेस बनाना है। अगली टिप है, लड़की को थोड़ा अवॉइड कीजिए। दोस्तों, लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड का अटेंशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। इसलिए लड़की को अपने प्यार में तड़प तो हाथ देखना चाहते हैं, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ समय के लिए अवॉइड करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड को अवॉइड करेंगे, तब वो आपके और करीब आना चाहेगी। लड़की को तड़पाने के लिए ये सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अगला तरीका है, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने दूसरी लड़कियों को तारीफ कीजिए। लड़कियों में कूट कूट कर जलन भरी हुई होती है। भले कोई लड़की अपनी जलन सामने दिखाए या ना दिखाए, लेकिन कोई भी गर्लफ्रेंड ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कि उसका बॉयफ्रेंड उसी के सामने किसी और लड़की की तारीफ कर रहा है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे कितना प्यार करती है तो और उसे तड़पाना चाहते हो, तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के सामने किसी और लड़की की तारीफ कीजिए। आप चाहे तो अपनी गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड की ही तारीफ कर सकते हैं, तो देखिए फिर वो आपके कैसे नजदीक आती है। अगला तरीका है, लड़की के सामने हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। दोस्तों, कभी कभी रिलेशनशिप में लड़कियों को ऐसा लगने लगता है कि लड़के उनके साथ ही खुश रहते हैं।
ऐसे में अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से दूर रहकर भी उन्हें खुश रहकर दिखा सकें तो वो आपको मिस करने लगेगी और वो भी आपके साथ अच्छा सा पेश आएगी। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ा दूर होकर हंसते मुस्कुराते रहना आपको सीखना होगा। अगला तरीका है, अपना फोन बंद करके रखें। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ दिनों का स्पेस चाहते हैं तो आप अपना फोन बंद कर दीजिए और देखिए कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बात करने के लिए क्या क्या नहीं करती। जब आप लड़की से बात नहीं कर पाते हैं या फिर लड़की आपसे बात नहीं कर पाएगी तब लड़की आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगी और वो आपके प्यार में तड़पना शुरू हो जाएगा और आपका काम हो जाएगा। अगला तरीका है, गर्लफ्रेंड से बाहर जाके बिल्कुल भी ना मिलें। अगर आपकी गर्लफ्रेंड को बाहर जाने के लिए कहती है या फिर किसी डिनर पर चलने के लिए कहती है तो आप लड़की को साफ साफ मना कर दीजिए। जब आप कुछ दिनों तक लड़कियों को ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे तो वो थोड़ी सी दुखी तो होंगी लेकिन वो आपका अटेंशन पाने के लिए फिर से आपसे और ज्यादा प्यार करने की कोशिश करेंगी। अब अगला तरीका, दूसरे लड़के से बातचीत कीजिए। दोस्तों, लड़कियों को अपने प्यार में तड़पते देखने के लिए यह सबसे असरदार तरीका है। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को अपने लिए तड़पता देखना चाहते हो तो आप उसके सामने किसी दूसरी लड़की से बात कीजिए और उनसे फ्लर्ट करने की कोशिश कीजिए। यह देखकर आपकी गर्लफ्रेंड को इतनी जलन होगी कि वो आपसे दो गुना प्यार करने के लिए और भी तड़पेगी। दोस्तों तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिससे आप अपनी गर्लफ्रेंड को तड़पा के आप उसके दिल में आपके लिए और भी ज्यादा प्यार पैदा कर सकते हो और ना कि उसको खो सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ये जो टिप्स हमने आपको बताई है ये सारी टिप्स एट ए टाइम आपको अप्लाई नहीं करनी है। इसमें से एक एक टिप को आपको अप्लाई करना है, वो भी धीरे 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 धीरे, जब भी आपके प्यार में कमी आए तब। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।